हे वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पजल सॉल्वर। तो आज हम जो पजल सॉल्व करने वाले हैं वो हमारी मैथ सीरीज पजल की पजल नंबर है 22। और इस पजल में आप देख सकते हैं हमारे पास चार इक्वेशन गिवन है। इन चारों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन मैथ्स के अकॉर्डिंगली करेक्ट नहीं है, जिसमें 4+4 हमारा एक्चुअल में 8 होता है पर वो 20 के इक्वल गिवन है। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न है, एक लॉजिक है इन इक्वेशंस के पीछे। हमको वो पैटर्न फाइंड आउट करना है और इन इक्वेशंस को वेरीफाई करना है उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली, और फिर उसी पैटर्न को सबसे लास्ट इक्वेशन में पुट करना है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहली इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो हमारा एक पैटर्न जो बन रहा है वो बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए होगा पहली इक्वेशन में 4 और बी भी पहली इक्वेशन में 4 होगा। जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4, और इसकी वैल्यू हो जाती है 4 स्क्वायर की वैल्यू होती है 16। 16+4 इज इक्वल टू 20। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला लॉजिक पैटर्न जो है वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए एकदम ठीक बैठा है, क्योंकि हमारे राइट साइड में भी वैल्यू जो है वो 20 है। इसको अप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन में। अगर हम सेकंड इक्वेशन में इसको अप्लाई करेंगे तो हमारा ए हो जाएगा 5 और बी भी हो जाएगा 5। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5, और इसकी वैल्यू आ जाती है 25+5 दैट इज़ इक्वल टू 30। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे राइट साइड में जो कि वैल्यू आ रही है 30। तो ये सेकेंड इक्वेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। अब एक बार वेरीफाई करते हैं इसको थर्ड इक्वेशन के लिए। थर्ड इक्वेशन के लिए ए हमारा हो जाता है 6 और बी की वैल्यू हो जाती है 6। तो इसकी इसको जब हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 × 6 + 6। तो 6 × 6 हो जाता है 36। 36+6 इज इक्वल टू 42। जब इसको हम फोर्थ इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 स्क्वायर प्लस 7। तो 7 स्क्वायर होता है 49। 49+7 इज इक्वल टू 56। और आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में भी 56 ही गिवन है। तो इसका मतलब हमने ये जो पैटर्न या फिर लॉजिक फाइंड आउट किया है ये एकदम करेक्ट है, और इसको हमें अपनी फाइनल इक्वेशन में पुट करना है और अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो हमारा जब इसको फाइनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 स्क्वायर प्लस 9। तो 9 स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 81। 81 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 90। तो हमारा जो आंसर आता है इस पज़ल का वो आ जाता है 9090। और ये पज़ल भी हमारी हो जाती है सॉल्व। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगर आपको ये पज़ल पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप के साथ, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।